नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के अंदर भैंसरोडगढ़ के दुर्ग के विषय में, जिसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। ऐसा किला जो राजस्थान में राजा महाराजाओं ने नहीं, व्यापारियों ने बनाया है। राजस्थान में व्यापारियों के द्वारा बनाया गया एकमात्र दुर्ग भैंसरोडगढ़ के दुर्ग की अपन चर्चा करते हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि चर्चा करने से पहले हम किले के भौगोलिक विषय के रूप में जरूर जानते हैं, और इस किले का भौगोलिक रूप में आपको दिखाता हूं किस प्रकार बन रखा है। सबसे पहले बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार एक नदी है और इस प्रकार भी एक नदी है। एक नदी का नाम है बच्चों चंबल नदी, और एक नदी का नाम है बच्चों भामनी नदी। और इन चंबल और भामनी नदियों के संगम पर, ध्यान रखेंगे आप, इन चंबल और भामनी नदियों के संगम पर ही ये इस प्रकार का दुर्ग बन रखा है। और जो दुर्ग आप देख रहे हैं बच्चों, इस दुर्ग का नाम है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं भैंसरोडगढ़। देखो, भैंसरोडगढ़ आपको ध्यान रखना है कि भैंसरोडगढ़ का दुर्ग जो है पड़ता कहां पर है। तो भैंसरोडगढ़ पड़ता कहां पर है बच्चों, ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। सेकंड नंबर पर आप ध्यान रखेंगे कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग की श्रेणी क्या है। यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भैंसरोडगढ़ की श्रेणी, अब आप समझ गए होंगे कि चंबल और भामनी नदियों के संगम पर है, तो ये कौन सा दुर्ग होगा बच्चों, ये जल दुर्ग होगा। और जल दुर्ग को क्या भी कहा जाता है, ओदक दुर्ग भी कहा जाता है। बच्चों, अब हम बातचीत करते हैं इसके निर्माता के विषय में कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है। तो आप ध्यान रखेंगे, भैंसरोडगढ़ के दुर्ग के निर्माता है भैंसा शाह। कौन है भैंसा शाह? और ये कौन था भैंसा शाह? ये व्यापारी था। मैंने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आपको बताया था कि कोई भी व्यापारी दिल्ली से कहां पर जाएगा, गुजरात जाएगा, तो उस वक्त वह कहां से निकलेगा, ये चित्तौड़गढ़ होके उसे जाना होगा। आज भी यहीं से निकलते हैं, ये सामरिक मार्ग है। और ये भैंसा शाह भी व्यापार करने के लिए गुजरात जाता, तो दिल्ली से कहां होकर के जाता, ये दिल्ली से चित्तौड़ होकर के जाता। बच्चों, ये जो भैंसा शाह है, इसका सहयोग किया था। ध्यान रखेंगे, क्या किया था? सहयोग किया था। और इसका सहयोग किसने किया था? रोडाचारण ने। ये किला किसके सहयोग से बनाया था? रोडाचारण के सहयोग से बनाया। और किसने बनाया? भैंसा शाह नामक व्यापारी ने बनाया। भैंसा शाह नामक व्यापारी दिल्ली से गुजरात अपनी बालदों को लेकर के जाता। किनको लेकर के जाता बच्चों? अपनी बालदों को। तो बालद किसे कहते हैं, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन ये कभी कभार रात में यहां पर इस क्षेत्र में रुक जाया करता था, और मेवाड़ क्षेत्र में रात में इसकी बालदों की चोरी हो जाया करती थी। चोरी हो जाने के कारण इसने परेशान होकर के यहां पर रोडाचारण को अपने साथ लिया, और रोडाचारण को साथ लेकर के यहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवा दिया। अपनी बालदों की रक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया, और ये भैंसा शाह के द्वारा निर्मित होने के कारण ही क्या कहलाया? भैंसरोडगढ़ कहलाया। नाम से ही ध्यान रख लो, भैंसरोडगढ़, भैंसा शाह, मतलब भैंसा शाह के द्वारा निर्मित होने के कारण क्या कहलाया? भैंसरोडगढ़। और बालदों की रक्षा के लिए, तो बालद क्या होते हैं? गाय एवं बैल की जोड़ियां। ध्यान रखेंगे आप, गाय एवं बैल की जोड़ियां क्या कहलाती है? तो गाय एवं बैल की जोड़ियां बच्चों बालद कहलाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो व्यापारियों के द्वारा निर्मित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों के द्वारा निर्मित है, तो ये व्यापारियों के द्वारा निर्मित है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों के द्वारा निर्मित है वह कौन सा है? वह भैंसरोडगढ़ दुर्ग है बच्चों। और ये व्यापारियों के द्वारा निर्मित होने के कारण मोस्ट रूप से आप ध्यान रखेंगे, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। कई सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि राजस्थान का वेल्लोर क्यों कहा जाता है, तो ये व्यापारियों के द्वारा निर्मित होने के कारण राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण करके इसके वास्तविक स्वरूप को नष्ट कर दिया था। इसके अंदर जितने भी मंदिर थे, जो भी स्थान थे, सबको तोड़ दिया था। तो वापस से डोड राजाओं ने
परमार राजाओं ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। जीर्णोद्वार किसने करवाया था? तो परमार राजाओं द्वारा इसका जीर्णोद्वार करवाया था। आप राजस्थान लेवल के कोई भी परीक्षा दीजिए, जिनमें भी आपके किले जो आपके सिलेबस में, तो उस किले से संबंधित इतनी सी बातें आप ध्यान रखेंगे जिसमें आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। कई बार पूछा गया है कि कौन सी नदियों के संगम पर है, चंबल एवं भामनी, फिर आप ध्यान रखेंगे श्रेणी क्या है। नदियों के संगम पर है तो जल दुर्ग, भैंस रोडगढ़ किसने बनाया, नाम से ही भैंसा शाह ध्यान रख लेंगे। ये क्या था, एक व्यापारी, तो व्यापारियों के द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग हो गया। इसका सहयोग किसने किया था, रोडाचरण ने। कौन सा व्यापार करता था बालदों का, तो गाय एवं बैल की जोड़ियां क्या कहलाती हैं, बालद कहलाती थी। और इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया, परमार राजाओं के द्वारा। और इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर क्यों कहा जाता है, क्योंकि व्यापारियों के द्वारा निर्मित है। तो बच्चों ये था राजस्थान का एक छोटा सा किला। ऐसे ही कई सारे किले हमारे प्लेलिस्ट में हैं। आपको भैंसरोडगढ़ का किला कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।